सऊदी अरब में तेल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको के दो तेल संयंत्रों पर हमले का बुरा असर दिख रहा है। इस हमले के बाद कच्चे तेल के दाम 12% तक बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, तेल की कीमतें अगले कई दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। वहीं इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब रिजर्व तेल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सऊदी में तेल कंपनी अरामको के दो रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमला किया गया था। यमन के विद्रोहियों की तरफ से यह हमला ऐसे समय किया गया जब यह कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने को लेकर तैयारी कर रही है। इस हमले के बाद आधे से ज्यादा तेल उत्पादन प्रभावित हुए हैं।